Buffettology, writer Mary Buffett. क्या आपने पैसे की रौनक कभी महसूस की है? कभी कोई एक्स्ट्रावेगेंट सपना आया है जिसमें आप पैसों के समंदर में तैर रहे हो या फिर अपने मन से खर्चा कर रहे हो? दुनिया में ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी स्किल्स के दम पर इस सपने को सच में बदला है। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। उन्हें फेमसली ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है और इसकी वजह भी है। पिछले 50 सालों से उन्होंने अमेरिका की सबसे सक्सेसफुल कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और ऐसे वक्त पर किया जब उन्हें कोई और दूसरा छूने की हिम्मत भी न करता। हम मैरी बफेट के द्वारा लिखी गई किताब बफेटोलॉजी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि वॉरेन के लॉन्ग टर्म सक्सेस का क्या राज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस सक्सेस के पीछे किसी जादू का हाथ नहीं बल्कि लॉन्ग पर्सपेक्टिव में की गई एनालिसिस है। तो क्या आप भी अपने सपने सच करना चाहते हैं? आइए सुनते हैं बफेट के मनी मंत्र। मनी मंत्र एक, हमेशा एक बिजनेस लाइक तरीके से इन्वेस्ट करिए। जैसा कि हमने कहा, वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया के किंग हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप बफेट के भी मेंटोर का नाम जानते हैं? नहीं ना। चलिए मैं बताता हूं। बफेट के मेंटोर का नाम था बेंजामिन ग्रैम। वो एक ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन थे जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस नाम की एक बुक के लिए फेमस थे। इस किताब को इन्वेस्टर्स की कई जेनरेशंस के लिए गीता के रूप में माना जाता है। ग्रैम का एक सेंट्रल आइडिया था। उनका मानना था कि इन्वेस्टिंग सबसे अच्छी तब होती है जब उसे एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। इसी बात ने बफेट के यंग माइंड को इन्फ्लुएंस किया और ये बात उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की एक इंपॉर्टेंट कड़ी बन गई। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि जो भी स्टॉक आप मार्केट में खरीद रहे हैं उसे आपको एक बिजनेस के तौर पर खरीदना है, ना कि किसी लॉटरी टिकट की तरह। कंपनी के एक स्टॉक को खरीदना एक बड़ी छलांग नहीं है, लेकिन तब क्या करेंगे जब आप उस बिजनेस को खरीदने जाएंगे? इसके बारे में ध्यान से सोचिए। अगर आप ठीक से सोचेंगे तो आपका आंसर होगा एक ऐसी कंपनी जो ईयरली बेसिस पर अच्छे और लो रिस्क पर रिटर्न्स दे। किसी भी बिजनेस को खरीदने से पहले आप उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। क्या उस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स उतने हैं जो आपको फायदा दे सके? क्या इस एरिना में कोई और बड़ा कंपेटिटर है? क्या इस बिजनेस की डिमांड फ्यूचर में भी रहेगी? अगर आपको सब ठीक लगे तो उसके प्राइस के बारे में जानकारी लीजिए। इस तरह से इन्वेस्ट करने का यह भी मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। एक अच्छा बिजनेस होल्डर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है। वॉल स्ट्रीट की तेजी से हटकर बफेट अक्सर अपने खरीदे हुए स्टॉक्स को ज्यादा टाइम तक होल्ड करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी जल्दी से बड़े प्रॉफिट के लिए एक स्टॉक बेच लेते हैं, ये सोचे बिना रुक कर कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से और बड़ा प्रॉफिट होगा। इसके ऊपर उन्हें अपने गेन्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी पे करना पड़ता है जो उनका इफेक्टिव प्रॉफिट कम कर देता है। वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्ट करने का सीधा मतलब है कि आप लंबे टाइम के लिए अच्छे और प्रिडिक्टेबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और अपने लिए प्रॉफिट अक्यूमुलेट करें। मनी मंत्र दो, कंज्यूमर मोनोपोलीज को अपना दोस्त बनाएं। वॉरेन बफेट के सक्सेस का एक बड़ा राज यह है कि उन्होंने हमेशा ऐसी कंपनीज को ढूंढा जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहा है, जैसे कि कोका कोला और बैंक ऑफ अमेरिका, और इनके साथ बने रहकर उन्हें काफी फायदा भी हुआ है। बहुत से लोग इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं, लेकिन बफेट के सक्सेस में लक का एलिमेंट बहुत कम है। उन्होंने हमेशा ऐसी कंपनीज को उठाया है जिनके पास एक चीज रही है और वो है कंज्यूमर मोनोपोली। अब आप पूछेंगे ये क्या है? अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टोल ब्रिज को कंसिडर करिए। अब आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको एक नदी क्रॉस करनी है और उसे क्रॉस करने का केवल एक ही तरीका है, आपको उस ब्रिज पर चलना होगा और आगे बढ़ना होगा। अब प्रैक्टिकल सेंस में कोई भी नदी को क्रॉस करने के लिए बोट या स्विमिंग का इस्तेमाल नहीं करेगा, इसलिए ब्रिज को क्रॉस करना आपके लिए कंपल्सरी बन जाता है। अब इस ब्रिज पर लोगों ने टोल कलेक्ट करना शुरू कर दिया
तो इसे कहा जाएगा कि इन लोगों के पास नदी को क्रॉस करने की मोनोपोली है। जब तक उस नदी के पास कोई और टोल ब्रिज नहीं आ जाएगा, तब तक इस ब्रिज पर ही सबसे ज्यादा बिजनेस होगा। ऐसा ही कुछ कंपनीज के साथ भी होता है। अब इस चीज का पता कैसे लगाएं? लॉरेंस ब्लूमबर्ग के हिसाब से लोगों में एक क्वालिटी होती है जिसे कहते हैं कंज्यूमर गुडविल। ये किसी भी अच्छे और डोमिनेंट प्रोडक्ट के साथ एक अटैचमेंट की तरह है, जो अक्सर कन्वीनियंस, अच्छे एम्प्लॉयज और अच्छी एडवर्टाइजिंग से आती है। किसी भी प्रोडक्ट के संग ये गुडविल जुड़ जाती है, वो मार्केट कैप्चर करने के केपेबल हो जाता है। इनका एक और फायदा भी है, ये कंपनीज आसानी से बिना किसी कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाती हैं। ये टैक्स अवॉइड करना अच्छे से जानती हैं और बड़े प्रॉफिट्स बनाती हैं। आप मार्लबोरो या कोका कोला का ही एग्जांपल ले लीजिए। एक बार अपनी फैक्ट्री सेट करने के बाद इन्हें ज्यादा अपडेटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है। इससे उलट ऐसी कंपनीज जिन्हें अपने फिजिकल एसेट्स पर लगातार बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कि जनरल मोटर्स, उनके लिए प्रॉफिट बनाना भी उतना ही मुश्किल बन जाता है। साथ ही साथ एक्सपैंड करने के लिए उन्हें और भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इससे एक चीज साफ हो जाती है, वो अपने एरिना में एक मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाते। तो इससे हमें क्या सीखना है? आसान है, ऐसी कंपनीज चुनिए जो कंज्यूमर मोनोपोलीज हैं। मनी मंत्र 3, इन्वेस्टमेंट के लिए 3 सबसे अच्छे बिजनेसेस। तो दोस्तों, पिछले मनी मंत्र से हमें पता लगा कि हमें उस कंपनी की तरफ अपना पैसा लगाना चाहिए जो मार्केट में काफी डोमिनेंट हो और उनकी एक मोनोपोली एस्टैब्लिश हो गई हो। इन बिजनेसेस से आप काफी प्रॉफिट बना सकते हैं और आपको ज्यादा खतरा भी नहीं रहेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर किस तरह के बिजनेस इन कंज्यूमर मोनोपोलीज के रेडार के अंदर आते हैं? एक कंपनी में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो किसी सेक्टर में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सके? इस मंत्र में हम इसी चीज पर बात करेंगे। अगर हम वॉरेन बफेट के पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे तो हमें ऐसे 3 तरह के बिजनेसेस देखने को मिलेंगे जो हमारी इस नीड को पूरा करते हैं। इनमें सबसे पहले वो बिजनेसेस आते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते और बेचते हैं जो कम समय में पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी वॉर्न आउट होते हैं। प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग की वजह से लोगों के बीच एक ब्रांड परसेप्शन भी बना हुआ होता है। अब इससे क्या होता है? जब किसी कंपनी की अच्छी ब्रांडिंग होती है तो उसको लेने वाले मर्चेंट्स के पास उन्हें स्टोर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस भी नहीं चलेगा। यही चीज रिटेलर्स पर भी अप्लाई होती है। अगर कोई एक ही ब्रांड उस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकालती है तो उन्हें भी उसी कंपनी से सामान खरीदना पड़ता है और खरीदने का रेट अक्सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही सेट करती है। समझ रहे हैं ना दोस्तों? इस तरह के बिजनेस के लिए कोका कोला एक अच्छा एग्जाम्पल है। मार्केट में उनकी जैसी ड्रिंक्स बनाने वाले और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन कोका कोला का मार्केट में सिक्का चलता है और इसलिए ही हर एक दुकान, कैफे या किसी भी तरह के स्टोर में इस ड्रिंक को सर्व करना ही पड़ता है। दूसरे तरह के बिजनेसेस जिन्हें बफेट प्रिफर करते हैं वो हैं कम्युनिकेशंस बिजनेसेस। इन बिजनेसेस के बिना कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकता। और आप तो जानते हैं, अगर किसी कंपनी को इंडिया जैसे देश में चलना है तो टीवी नेटवर्क्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या पब्लिकेशंस में अपना रुतबा बनाना कितना जरूरी है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को नॉलेज ही नहीं होगी तो सेल भी कम होगी। अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाने के लिए कंपनीज को लगातार एक अच्छा प्राइस देना पड़ता है। तीसरे तरह के बिजनेसेस जिसमें बफेट इंटरेस्ट दिखाते हैं वो थोड़े अनकन्वेंशनल हैं। ऐसे बिजनेसेस जो डिमांड में रहने वाली कंज्यूमर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, उनमें बफेट काफी इन्वेस्ट करते हैं। ये सर्विसेज अक्सर अनस्किल्ड, नॉन यूनियनाइज्ड वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें कंपनीज टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करती हैं। इससे प्रॉफिट ज्यादा होता है लेकिन प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कम रहती है। यूएस में सर्विस मास्टर जैसी कंपनीज पेस्ट कंट्रोल, मेड सर्विसेज और लॉन केयर जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इन कंपनीज को चलते रहने के लिए ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो ये थी वो क्वालिटीज जिनसे कोई कंपनी अपने फील्ड में कंज्यूमर मोनोपोली बन सकती है।
मनी मंत्र 4, कंपनी के प्रॉफिट को अपने इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही समझें। दोस्तों, ये सेगमेंट थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन चिंता की बात नहीं है, हम आपके लिए सब आसान कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को किस तरह से जज करते हैं? प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो हर इन्वेस्टर किसी शेयर से मिलने वाली अर्निंग्स को देखता है, लेकिन यह हिसाब कैसे निकाला जा सकता है? यह काफी सिंपल है। यह नंबर आपको कंपनी की टोटल अर्निंग्स को उनके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करके मिल सकता है। मान लीजिए कि किसी कंपनी की टोटल अर्निंग्स $1 बिलियन है और उसके टोटल शेयर्स 4 बिलियन है, तो इसका मतलब है कि आपको हर शेयर से $2 का प्रॉफिट हो सकता है। ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए यह नंबर जितना ज्यादा अच्छा होता है, उन्हें उस कंपनी में उतना ही फायदा दिखता है। लेकिन अगर ये अर्निंग्स उन्हें डिविडेंड्स के रूप में नहीं मिलती, तो वो उन्हें अपने बिजनेस की अर्निंग्स नहीं मानते। डिविडेंड्स हम उन एक्स्ट्रा शेयर्स को कहते हैं जो इन्वेस्टर्स को कैश की जगह दिए जाते हैं। ज्यादातर कंपनीज प्रॉफिट होने पर ऐसा ही करती हैं। लेकिन हमारे बफेट साहब ऐसा नहीं करते। वो कंपनी की अर्निंग्स को काफी अनऑर्थोडॉक्स तरीके से देखते हैं। अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मानते हैं कि जितना उस कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, उसमें उनका खुद का भी प्रॉफिट शेयर है। और ये नंबर इस चीज से पता लगता है कि उनका उस कंपनी में कितना शेयर है। तो मान लीजिए कि उनके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और उस कंपनी ने $5 पर शेयर कमाए हैं, तो बफेट समझते हैं कि उन्होंने इसमें $500 कमाए हैं। बफेट मानते हैं कि कंपनी इन अर्निंग्स को रिटेन कर सकती है या फिर उन्हें फिर से अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर सकती है। कुछ भी हो, इन अर्निंग्स से डायरेक्टली शेयर होल्डर्स का फायदा होना चाहिए। बफेट प्रिफर करते हैं कि कंपनी को अपने प्रॉफिट्स होल्ड करने चाहिए और उन्हें हर बार डिविडेंड्स के फॉर्म में रिलीज नहीं करना चाहिए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कंपनी डिविडेंड्स पे करती है, तो इन्वेस्टर्स को उस प्रॉफिट पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, जिससे उनका कम फायदा होता है। इससे हटकर अगर कंपनी उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर अपनी वैल्यू बढ़ाए, तो ये उनके स्टॉक प्राइस में जरूर दिखेगा। इस तरह से कम प्राइस पर खरीदा हुआ स्टॉक कुछ टाइम में खुद ही अच्छी वैल्यू पकड़ लेगा और इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा होगा। ऐसा प्रोसेस हमें बफेट की खुद की कंपनी बर्कशायर हैथवे में देखने को मिलता है, जिसका 1980 में शेयर प्राइस $500 था। आज की डेट में हर शेयर का प्राइस $40,000 से भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बफेट की कंपनी ने आज तक एक भी डिविडेंड पे नहीं किया है और अपने सारे प्रॉफिट को ठीक तरह से री इन्वेस्ट कर अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाई है। उम्मीद है कि आपको यह टेक्निकल एनालिसिस पसंद आई होगी। मनी मंत्र 5, इन्वेस्टमेंट्स के लिए स्टॉक प्राइस और रेट ऑफ रिटर्न आपके दोस्त होने चाहिए। वॉरेन बफेट की माने तो जो प्राइस आप किसी स्टॉक के लिए देते हैं, वो काफी क्रिटिकल है। ये काफी सीधी चीज है, लेकिन बहुत से इन्वेस्टर्स इस चीज को आसानी से भूल जाते हैं और ओवर प्राइस्ड स्टॉक्स खरीद लेते हैं। अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको सही स्टॉक सही कीमत पर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे आपका रेट ऑफ रिटर्न यानी प्रॉफिट का रेट भी तय होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी स्टॉक के लिए $100 पे करते हैं और आपको हर शेयर से $20 मिलते हैं, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न 20% है। लेकिन अगर आप इसी स्टॉक के लिए $200 पे करेंगे और आपको रिटर्न उतना ही मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा स्टॉक का प्राइस होगा, उतना कम रेट ऑफ रिटर्न होगा, और जितना कम स्टॉक प्राइस होगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो अब हम ये समझ गए कि हर स्टॉक को सही समय पर सही रेट पर खरीदना चाहिए। लेकिन ये रेट पता लगाने के लिए आपको कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। बफेट की खुद की जर्नी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1979 में उन्होंने जनरल फूड्स नाम की एक कंपनी में शेयर्स खरीदना शुरू किया था। उन्होंने टोटल 4 मिलियन शेयर्स खरीदे थे और हर शेयर का एवरेज प्राइस $37 था। कंपनी की रीसेंट हिस्ट्री को देखते हुए बफेट उस कंपनी की पर शेयर की अर्निंग्स पर नजर बनाए हुए थे, जो कि हर साल 9% रिटर्न्स दे रहा था। इसका मतलब है कि हर शेयर उन्हें उस वक्त $5 का रिटर्न दे रहा था। तो आने वाले सालों में अगर कोई डिजास्टर ना हो, तो यही प्रॉफिट हर शेयर के अगेंस्ट
$6 हो जाता है और ये टाइम के साथ बढ़ता है। अब जब उन्होंने हर स्टॉक के लिए $37 दिए थे तो उसका मतलब है कि उन्हें हर शेयर पर 14% का रिटर्न मिल रहा था। और दोस्तों ये तो बफेट की कंजर्वेटिव प्रेडिक्शन थी, असल में कंपनी ने $6 का रिटर्न दिया और उनका प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा था। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि बफेट की कैलकुलेशंस ने उन्हें एक अच्छा आइडिया दिया था कि ये कंपनी आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट दे सकती है। तो अगर आप सच में सीरियस इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। मनी मंत्र 6, आपको केवल उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें आप ठीक से समझते हैं। दोस्तों किसी ने एक बार बफेट से पूछा कि आपका बिल गेट्स के बारे में क्या कहना है, तो बफेट का कहना था कि गेट्स एक जीनियस है और माइक्रोसॉफ्ट एक काफी अच्छी कंपनी है। तो अपने सवाल को आगे ले जाते हुए उस इंसान ने बफेट से यह भी पूछा, क्या आप माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करेंगे? इस पर बफेट का जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक अच्छी कंपनी है लेकिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उनका एरिना नहीं है, इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो इसे अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर की चीज मानते हैं। तो देखा आपने, ये एक काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप किस चीज में घुस रहे हैं। आपको केवल उन एरिनाज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी आपको नॉलेज हो। तो अगर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स समझ में आते हैं तो आप एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खोजना चाहिए जिनकी आपको नॉलेज हो। एग्जाम्पल के लिए आप इस चीज को नोट कीजिए कि आप सुपरमार्केट से क्या खरीदते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके पास आपने सबसे ज्यादा समय बिताया और आप उन्हें किस तरह से समझते हैं? बफेट की ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स सिंपल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज में रही है, जैसे जिलेट और क्राफ्ट फूड्स। एक बार जब आप किसी कंपनी को समझने लग जाएं, तो टाइम आता है डिटेल्ड रिसर्च का। इंटरनेट पर आज के जमाने में बहुत से फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे कंपनी फाइनेंसेस, मैनेजमेंट, जो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखा सकते हैं। इन रिसोर्सेज से आपको उन इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता लग सकता है जिनका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे एनुअल अर्निंग्स या फिर पर शेयर का प्रॉफिट। दोस्तों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के संग आपको कंपनी की मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ पुरानी न्यूज स्टोरीज या रिसर्च से आपको एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। अगर वो कंपनी आपको ट्रस्टवर्दी, कॉम्पिटेंट लगे तो आप जरूर से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एंड में हमारा डिस्कशन इस बात पर आकर रुकेगा कि अगर आपको ऐसी कंपनी मिले जो एक कंज्यूमर मोनोपोली कर चुकी है, जिसका मैनेजमेंट सॉलिड है और जिसका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, तो आपको लगभग वो सारी चीजें मिल गई हैं जिससे आप भी बन सकते हैं इस एरा के नेक्स्ट वॉरेन बफेट। तो किस बात का वेट कर रहे हैं? उठिए और स्टॉक मार्केट में आज ही हाथ आजमाइए। हमने पिछले कुछ सेशंस में बहुत सी चीजें सीखी। आपको अब पता ही है कि सबसे अच्छी तरह के इन्वेस्टमेंट्स की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट कीजिए और प्रैक्टिकल एनालिसिस कीजिए। वॉरेन बफेट की जर्नी से हमें एक बात तो साफ दिखती है कि अगर आपके पैरामीटर्स साफ हैं तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम तक टिक सकते हैं और अपने लिए काफी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आप वॉरेन बफेट के बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बफेटोलॉजी की पूरी किताब मिल जाएगी।